आज हम सभी लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और ये सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक से बनते हैं। पर आपको ये पता है कि ये सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप्स ऑफ मोल्डिंग टेक्निक से मोल्ड किए जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टिक को कौन सी टेक्निक से मोल्ड किया जाता है। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं प्लास्टिक वर्ल्ड। प्लास्टिक वर्ल्ड सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों प्लास्टिक को मोल्ड करना मतलब प्लास्टिक को मनचाहा शेप देना। तो आज हम देखेंगे कि प्लास्टिक को कौन से टेक्निक से मोल्ड किया जाता है और कौन से टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों प्लास्टिक को मेनली 6 टाइप से मोल्ड किया जाता है। फर्स्ट है इंजेक्शन मोल्डिंग, सेकेंड ग्लो मोल्डिंग, थर्ड रोटो मोल्डिंग, फोर्थ एक्सट्रूजन, फिफ्थ थर्मोफॉर्मिंग एंड सिक्स कंप्रेशन मोल्डिंग। तो दोस्तों आज हम ये टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और इसके साथ ही हम एक एनिमेटेड वीडियोस भी देखेंगे जिससे हमें ये मोल्डिंग टेक्निक समझने में आसानी होगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक। दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक ये प्लास्टिक इंडस्ट्री की सबसे पुरानी टेक्निक है। ये हमारे जो डेली प्रोडक्ट्स है जैसे कि स्विच बोर्ड्स, चेयर्स, मोबाइल फोन्स, इस सभी को मोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इस टेक्निक को समझने के लिए हम इस एनिमेटेड वीडियो की हेल्प लेंगे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल को हॉपर के अंदर डाला जाता है, उसके बाद उसे हीटिंग टेम्परेचर जोन में डाला जाता है जिसके अंदर उसे 150 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 300 डिग्री टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और उस रॉ प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद उसे इंजेक्शन जोन में भेजा जाता है। इंजेक्शन जोन में उसको प्रेशर देके मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है जिसके वजह से हम मोल्ड में से जो मनचाहा शेप है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक आज के दिन में भी बहुत यूज की जाती है क्योंकि ये एक सबसे आसान मोल्डिंग टेक्निक है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दोस्तों सेकेंड टाइप है ग्लो मोल्डिंग। दोस्तों ग्लो मोल्डिंग समझने के लिए हमें एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर हम बलून को फुलाते हैं, मतलब हम बलून के अंदर एक हवा फूंक देते हैं जिसके वजह से वो बलून एक शेप ले लेता है। तो यही सिंपल टेक्निक ग्लो मोल्डिंग में भी यूज की जाती है। ग्लो मोल्डिंग टेक्निक में भी हम इसी सिस्टम को यूज करते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है और उसकी एक मोल्टन ट्यूब आती है जिसके अंदर हम हवा फूंकने के बाद वो मोल्ड का शेप ले लेती है। नॉर्मली ये टेक्निक हम होलो प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जैसे कि हमारे बॉटल्स है, पेट बॉटल्स है, मिल्क कैंस है, घड़ा है, इन सभी प्रोडक्ट में हम ग्लो मोल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं। दोस्तों थर्ड टेक्निक है रोटो मोल्डिंग। दोस्तों रोटो मोल्डिंग टेक्निक को हम रोटेशनल मोल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल को मोल्ड के अंदर डाला जाता है और उसको बाहर से टेम्परेचर दिया जाता है जिसकी वजह से वो अंदर का रॉ मटेरियल पिघलना चालू होता है। उसी वक्त जो मोल्ड है वो सर्कुलर शेप में घूमता रहता है जिसके वजह से जो भी मोल्टन प्लास्टिक है वो मोल्ड के आउटर वॉल की तरफ घूमना चालू हो जाता है और एक यूनिफॉर्म शेप लेना चालू हो जाता है जिसके वजह से हम प्लास्टिक का मनचाहा शेप ले सकते हैं। दोस्तों ये टेक्निक मेजरली वाटर टैंक्स, कयाकिंग्स के जो बोट्स रहते हैं उसके अंदर, टॉयज के अंदर ये टेक्निक हम यूज करते हैं। इसके वजह से हमें बड़े से बड़े प्रोडक्ट भी हम मोल्ड आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ टाइप है एक्सट्रूजन मोल्डिंग। एक्सट्रूजन मोल्डिंग ये इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक जैसे ही रहती है, सिर्फ इसमें फर्क ये रहता है इंजेक्शन मोल्डिंग में मोल्ड रहता है और एक्सट्रूजन मोल्डिंग में डाई रहती है। तो दोस्तों एक्सट्रूजन मोल्डिंग ये इंजेक्शन मोल्डिंग जैसा ही काम करती है। इसमें हाई प्रेशर से मटेरियल बाहर फेंका जाता है और इसमें फर्क ये है कि हम जो इससे लंबी चीजें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लंबी चीजों का मतलब जैसे कि हमारी गार्डन पाइप से,
सीपीवीसी पाइप से, एसडब्ल्यूआर पाइप से, हमारी इलेक्ट्रिकल केबल से, ये सभी एक्सट्रूजन मोल्डिंग टेक्निक से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ टाइप है थर्मोफॉर्मिंग। दोस्तों हम जो भी चाय के कप्स, हमारे डिस्पोजेबल्स है, ये सभी थर्मोफॉर्मिंग से बनते हैं। इसके अंदर एक पतली थर्मोफॉर्मिंग की शीट रहती है जिसको हम हीट करके उसको डाई के अंदर शेप देके प्राप्त कर सकते हैं। ये नॉर्मली लो थिन फिल्म के प्रोडक्ट्स के इसमें यूज की जाती है। दोस्तों सिक्स टाइप है कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को कंप्रेस करना। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर एक मोल्ड की प्लेट है, नीचे एक मोल्ड की प्लेट है और बीच में एक प्लास्टिक रॉ मटेरियल है। इसे हम हीट करके ऊपर से प्रेस करेंगे जिसके वजह से ये हमें मनचाहा आकार मिल सकता है। इसे हम कंप्रेशन मोल्डिंग कहते हैं। ये टेक्निक नॉर्मली रबर प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। तो दोस्तों ये थे सिक्स टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्निक्स। मैं आशा करता हूं कि आपको प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्निक समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।